नमस्कार दोस्तों, कल है गुरुवार और 22 जून। कल के लिए निफ्टी के लेवल की बात करें तो सीपीआर छोटा सीपीआर रहेगा, ये देख सकते हैं सीपीआर है और सीपीआर के जस्ट ऊपर क्लोज किया है। फर्स्ट लेवल की बात करें, सीपीआर का सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो 18,870 और 880 ये बड़े टारगेट रहेंगे, और 18,900 एक ऑल टाइम हाई है तो यहाँ से ये तीसरा टारगेट रहेगा। अगर यहाँ से वापस रिवर्सल आता है तो सीपीआर तक के लिए सेलिंग के लिए टारगेट रहेंगे, और यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर जाने की कोशिश करता है मार्केट तो 18,940 और 950 ये दो बड़े टारगेट ऊपर की तरफ निकल जाएंगे और ऑल टाइम हाई लगा देगा। अभी सेलिंग की बात करें तो 18,830 के नीचे कैंडल क्लोज कर देता है यहाँ से, तो 18,820 एक ये टारगेट रहेगा और 18,800, क्योंकि यहाँ पे आज इसने सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश की है। दूसरी बात, यहाँ पे सीपीआर है तो सीपीआर का रिवर्सल होगा 18,775 के लगभग, तो यहाँ से वापस रिवर्स होता है मार्केट तो बाइंग के लिए जा सकते हो और सीपीआर तक के टारगेट रहेंगे। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सीपीआर का जो टारगेट है, मान लीजिए सीपीआर है कल के लिए, तो सीपीआर बहुत ही छोटा सीपीआर है और सीपीआर के जस्ट ऊपर क्लोजिंग है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर और सीपीआर का सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो पहला टारगेट 93,920 और 93,960 ये दो बड़े टारगेट रहेंगे। आज का जो डे आई है यहाँ तक के टारगेट रहेंगे। अगर ये लेवल निकाल देता तो 44,000 और 44,050 और 80 ये दो बड़े टारगेट ऊपर की तरफ रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक पहले का रिजेक्शन लिया हुआ देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ से कल का, तो ये बड़े टारगेट रहेंगे बाइंग के लिए। और सेलिंग की बात करें तो 43,800 के नीचे कैंडल क्लोज कर देता है तो 760 और 720 ये बड़े टारगेट रहेंगे, क्योंकि 720 से आज मार्केट वापस रिवर्स हुआ है तो यहाँ पे एक रिजेक्शन है और ये भी वीसीपीआर का काम करेगा। तो 43,640 से लेकर 680 तक ये बड़े टारगेट रिवर्स के लिए काम करेंगे। बड़े टारगेट 43,600 के नीचे कैंडल क्लोज कर देता है तो 43,500 तक के लेवल रहेंगे। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।